हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फीलिंग फूडीज। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजस्थानी मिर्ची वड़ा। ये खाने में लाजवाब होता है। इसका टेस्ट नॉर्मल मिर्ची पकौड़े से एकदम अलग होता है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, ये आपको और आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आने वाला है। जो लोग मिर्ची पकौड़ा खाना पसंद करते हैं लेकिन तीखा होने के कारण नहीं खा पाते, उन लोगों को तो ये रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ 5-6 मोटी मिर्ची ले लेंगे। मिर्च के बीच में हम नाइफ से कट लगाएंगे इस तरह से। फिर आप नाइफ या स्पून की हेल्प से इसके सारे पीस निकाल लेंगे इस तरह से। इसी तरह से हम सारी मिर्चों के अंदर से साफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमने सारी मिर्चों में कट लगा लिया है। इसके बाद हम स्टफिंग बनाएंगे। उसके लिए 3 उबले हुए आलू लिए हैं, इनको हमने कद्दूकस कर लिया है। इसमें हम पाउडर मसाला ऐड करेंगे, जैसे 1/2 टीस्पून नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें। 1/4 टीस्पून कश्मीरी मिर्च। अगर आपको तीखा पसंद है तो आप मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हैं। वन चौथाई टी स्पून चाट मसाला, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून आमचूर पाउडर। आमचूर मिर्च वड़े का बहुत ही खास इंग्रेडिएंट है। 1 टीस्पून डालेंगे हम यह धनिया पत्ती। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी स्टफिंग बनकर तैयार हो गई है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब यहाँ मिर्च के अंदर स्टफिंग फिल करेंगे और इस स्टफिंग को मिर्च के ऊपर भी कोटिंग करेंगे। कोटिंग हमें ज़्यादा मोटी नहीं करनी है, आप देख सकते हैं। इस तरह से स्टफिंग लेके इस तरह से चारों तरफ हम फैला देंगे हाथ से दबाते हुए। आप देख सकते हैं हमारे मिर्ची पर कितनी अच्छे से कोटिंग हुई है। इसी तरह से हम अपने सारे मिर्ची वड़े तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं हमारी सारी मिर्चों पे कोटिंग हो गई है। अब हम बेसन का बैटर तैयार करेंगे। उसके लिए 2 कप बेसन लेंगे। इसमें हम 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून जीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 2 पिंच बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने वाला सोडा भी बोलते हैं, ऐड करेंगे। और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर बैटर बना लेंगे। बैटर ज़्यादा पतला ना हो, ज़्यादा मोटा ना हो, नॉर्मल होना चाहिए। इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। आप देख सकते हैं इस तरह से हम बैटर बना लेंगे। बैटर ज़्यादा गाढ़ा नहीं है और ज़्यादा पतला भी नहीं है। इस तरह से बैटर होना चाहिए ताकि जो हमारी मिर्चों पे कोटिंग है वो अच्छे से चढ़ जाए बेसन की। अब हम कढ़ाई में ऑयल लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो इसमें थोड़ा बैटर गिराकर देख लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा जो ऑयल है वो हो चुका है। अब हम मिर्च लेंगे, उसको इस तरह से कोट करना है बेसन में। इसको हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है।
आप इसकी जो डंडी है उसको पकड़कर ऑयल में डाल देंगे। इस तरह से हम मिर्ची डाल देंगे सारी अपनी। अब कच्ची से ऑयल को मिर्ची के ऊपर डालेंगे धीरे धीरे इस तरह से। ऊपर की कोटिंग थोड़ी सी हार्ड हो गई है, अब हम इसको पलट देंगे। बहुत ही सावधानी से हमें इसको पलटना है ताकि हमारे ऊपर कोई छींटे ना आए। ये हो चुके हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। इस तरह से कर्ची को तिरछा करके हम इनको निकालेंगे ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो अच्छे से निकल जाए। सेम इसी तरह हम सभी मिर्ची को हम फ्राई कर लेंगे। अब इनको हम सर्व कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी हमारे मिर्ची वड़ा बनकर तैयार हुए हैं और खाने में तो बस मज़ा ही आने वाला है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, ये रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है। वाओ, कितने यम्मी लग रहे हैं दिखने में। अब एक मिर्ची वड़े को मैं कट करके आपको दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं कितने अच्छे से स्टफिंग फील हुई है, कितने लाजवाब लग रहे हैं दिखने में। कि रमज़ान की सबसे खास रेसिपी है, बड़ों की तो हर दिन मिर्च पकौड़े की डिमांड होती है। तो आप इस न्यू रेसिपी को ट्राई करें और घर के बड़ों का दिल खुश करें। तो इस रमज़ान मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें और आप सभी को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अगर आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू।